यहां एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है जो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ बराबर हिस्सों में बटा हुआ है अब अगर हम इन नौ बराबर हिस्सों में से किसी एक हिस्से या इस बीच वाले हिस्से में रंग भर दें तो यह रंगा हुआ हिस्सा इस पूरे वर्ग के कितने भाग या फ्रैक्शन को प्रदर्शित करता है यह इस पूरे वर्ग के एक बटा नौ भाग को प्रदर्शित करता है यानी कि इस पूर्ण इकाई या होल के एक बटा नौ भाग को प्रदर्शित करता है अगर हम और हिस्सों में भी रंग भर लें, तो क्या होगा चलिए हम इन तीन हिस्सों में भी रंग भर लेते हैं तो अब इस पूरे वर्ग का कितना भाग रंगा हुआ है इनमें से प्रत्येक हिस्सा एक बटा नौ को प्रदर्शित करता है यह एक बटा नौ है यह एक बटा नौ है और यह भी एक बटा नौ है एक बटा नौ का मतलब है कि यह रंगा हुआ हिस्सा इन नौ बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को प्रदर्शित करता है इसलिए हम इसे नौवा हिस्सा भी कह सकते हैं तो हमने यहां कितने एक बटा नौ हिस्सों में रंग भरा है हमने एक दो तीन चार हिस्सों में रंग भरा है यहां नौ बराबर हिस्सों में से चार हिस्से रंगे हुए हैं इसलिए कुल चार बटा नौ हिस्सा रंगा हुआ है इसलिए इस पूरे वर्ग या इस पूर्ण इकाई का चार बटा नौ भाग रंगा हुआ है अब हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा और रोचक बनाते हैं इस चित्र में पांच बराबर हिस्से हैं। हम इसे लिख लेते हैं तो यहां पर पांच बराबर हिस्से हैं और हम पांचों हिस्सों में रंग भर लेते हैं एक दो तीन चार पांच हम जानते हैं कि इनमें से प्रत्येक हिस्सा एक बटा पांच को प्रदर्शित करता है इसलिए हम एक बटा पांच हिस्से को पांचवा हिस्सा भी कह सकते हैं तो अब हमने यहां कितने भाग को रंगा है हमने हैं लिए हैं लिए हैं। तो पांच में से पांच बराबर हिस्सों को रंगा है या पांच बटा पांच हिस्सों को रंगा है आप सोच रहे होंगे कि इन पांच बराबर हिस्सों में से पांचों में रंग भरने या पांच बटा पांच हिस्सों में रंग भरने से इस पूरे चित्र में रंग भर गया है आप बिल्कुल सही हैं। पांच बटा पांच इस पूरे चित्र यानी कि एक पूर्ण इकाई या होल के समान है अब थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करके ये सोचें कि इन सभी चित्रों या पूर्ण इकाइयों का कितना भाग रंगा हुआ है चलिए पहले चित्र से शुरू करते हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच छह बराबर हिस्से हैं और हम देख सकते हैं इनमें से एक दो तीन चार हिस्से रंगे हुए हैं इसलिए इस चित्र का चार बटा छह हिस्सा रंगा हुआ है अब हम अगले चित्र को देख लेते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पांच बराबर हिस्से हैं और इनमें से एक दो तीन चार हिस्से रंगे हुए हैं इसलिए इस वृत्त यानी कि सर्कल का चार बटा पांच हिस्सा रंगा हुआ है इस चित्र में दो बराबर हिस्से हैं और दोनों रंगे हुए हैं इसलिए इस चित्र का दो बटा दो भाग रंगा हुआ है दो बटा दो का मतलब है कि यह पूरा चित्र रंगा हुआ है इसलिए यह चित्र एक पूर्ण इकाई यानी कि होल को प्रदर्शित करता है हो सकता है इस चित्र को देखकर आप ये सोचें कि यहां एक दो तीन चार हिस्से हैं और इनमें से एक दो तीन हिस्से रंगे हुए हैं इसलिए ये लाल रंग इस चित्र के तीन बटा चार भाग को प्रदर्शित करता है लेकिन ध्यान दीजिए सारे हिस्से बराबर होने चाहिए और ये लाल वाला हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा बड़ा है वास्तव में अगर हम इन तीन छोटे हिस्सों को मिला दें तो भी ये लाल हिस्सा ज्यादा बड़ा है इसलिए ये चारों बराबर हिस्से नहीं हैं। तो इस चित्र की बनावट के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसका तीन बटा चार भाग रंगा हुआ नहीं है